अगर मैं कहूँ आपसे कि आप चिकन लीजिए फटाफट से कुछ अच्छा सा बना दीजिए तो आप क्या करोगे? मैं फटाफट यहाँ से भाग जाऊंगी। क्यों? अरे आपको पता है कितना टाइम लगता है? बनाना तो छोड़ो, उसकी प्रेपरेशन में कितना टाइम लगता है। अनियन, टमेटो, सूखे मसाले, खड़े मसाले एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। आप टेंशन ना ले, इसे मैं सिंपल कर देता हूँ विद जिंकी ओनियन टमाटो ग्रेवी बेस। ओके, देखते हैं कैसे। चलिए स्टार्ट कर दो। चिकन करी, वेरी सिंपल, वेरी पॉपुलर रेगुलर डिश। ऑयल लूंगा, साथ ही उसमें डालूंगा मैं मैरिनेटेड चिकन 1/2 kg। इज ऑलरेडी मैरिनेटेड विथ जिंजर गार्लिक एंड सॉल्ट। ओके, हल्का से रोस्ट करूँगा ताकि चिकन पास भी सूख जाए और अपना जूस रिलीज करें। ओके, आई कैन सी कि ये रोस्ट होने के हल्का हल्का सा ग्रिल भी हो रहा है। यू कैन सी द कलर टर्निंग अ लिटिल ब्राउनिश ऑन ईच साइड। सो कीप फ्लिपिंग इट, कीप सॉटेइंग इट ताकि वो हर तरीके से हर जगह से अच्छे से कुक हो जाए। हाफ टी स्पून कश्मीरी चिली, हल्का सा टॉप करूंगा, साथ ही इसमें ऐड करूंगा ओनियन टोमेटो ग्रेवी बेस डाइल्यूटेड विद वाटर। सो इसमें 150 ग्राम ऑफ ग्रेवी को 300 ml ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूट किया है एंड देन अब इसमें हम डाल के इसे थोड़ी देर के लिए सिमर स्लैश बॉईल करेंगे। जैसे ही हल्का सा बॉयल आता है इसे हम लिड से कवर कर देंगे ताकि ये स्लोली कुक हो फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए। ओके, लिड कवर करने का इसका एक मेन रीज़न है ताकि इसका फ्लेवर इंटैक्ट रहे, रिलीज ना हो और चिकन जल्दी से कुक होए एंड जूसी रहे। ओके, तो हमें इसे सिमर पे रखना है या हाई फ्लेम पे रखना है? इसे मीडियम, ना ही सिमर ना ही बॉइलिंग पे, एक मीडियम पे। वाओ, तैयार है हमारी चिकन करी। इसे मैं गार्निश करता हूँ विद चॉप कोरिएंडर से। ओके, सिंपल चिकन करी विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स, नॉट सो मच, जस्ट ओनियन टोमेटो एंड दैट्स इट। सो चिकन लवर्स, कीप योर नान, कुलचा और द हम्बल रोटी रेडी टू एंजॉय विद दिस चिकन करी मेड विद जिंग्स अनियन टोमेटो ग्रेवी।